हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप इज फाइन। तो ठंड बहुत बढ़ गई है, तो आज का आपने जैसे देख लिया होगा टाइटल कि आज मैं एक नया एस्पेक्ट बताने वाला हूँ रेगुलेशंस का, जिसका नाम है डिफरेंट जोन्स जो डिसाइड किए हैं नई इंडियन रेगुलेशंस में, कि ये रिलेटेड है आपकी परमिशन लेने से, ड्रोन फ्लाइंग से। तो पूरा वीडियो देखिए एंड तक कि आपको अपडेट हो जाएंगे कि क्या क्या वो हैं और कब कब वो अपडेट होंगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमारी नई रेगुलेशंस में ड्रोन को कहा गया है RPAS, इसका नाम है रिमोटली पायलटेड एरियल सिस्टम। और रिमोटली पायलटेड एरियल सिस्टम यानी RPAS, जो हम कहते हैं ड्रोन, इसको उड़ाने के लिए, जैसे मैंने पहले बताया था कि NPNT की रेगुलेशन है, जो कि इसका मतलब है कि नो परमिशन नो टेक ऑफ। तो काफ़ी लोग पूछ रहे थे ये परमिशन कितनी बार लेनी है, क्या लेनी है, तो उसका क्या हिसाब किताब है। तो उसका एक पूरा इन्होंने प्लान बनाया हुआ है नई रेगुलेशंस में, जो मैं आपको बताने वाला हूँ, वो ऑन द बेसिस ऑफ कलर स्कीम है। एक कलर मैप बनाया जा रहा है, जो कि अभी डाला जाएगा DGCA की साइट पर भी, और सून ऐप भी लॉन्च होगी उसके बाद, जो आप सबके मोबाइल में आप देख सकेंगे विदाउट एनी लैपटॉप। इट्स योर चॉइस, जो भी आपको कन्वेंट होगा उसमें देख पाएंगे। तो इसमें उन्होंने 3 जोन्स डिफाइन की हैं, एक है ग्रीन जोन, एक है येलो जोन और एक है रेड जोन। ग्रीन जोन वो इलाके होंगे आपके, मतलब इंडिया के अंदर, जहां पर आपको ड्रोन उड़ाने से पहले बस बताना होगा, मतलब उसमें फिट करना होगा कि मैं यहां पर ड्रोन उड़ा रहा हूं। और ग्रीन जोन में है तो आप मतलब ये एक तरह की फॉर्मेलिटी होगी जो आपको करनी होगी, जैसे एक अटेंडेंस होती है आई एम प्रेजेंट, बस वैसे कि मैं यहाँ उड़ा रहा हूँ, इतने बजे उड़ा रहा हूँ। तो ऑटोमेटिकली वहाँ से कंप्यूटर आपको कंफर्मेशन येस की दे देगा कि इट इज़ ऑलरेडी ए ग्रीन जोन, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ग्रीन जोन वो होगी जिसमें कोई कहीं उसके आसपास कोई ऐसी मतलब इंपॉर्टेंट बिल्डिंग नहीं होगी, कोई एयरपोर्ट नहीं होगा, कोई डिफेंस का कोई चक्कर नहीं होगा, मतलब बिल्कुल फ्रीली जोन जहाँ पर कोई ख़तरा नहीं है हमारे लिए माइक्रो ड्रोन्स उड़ाने के लिए। तो ये सब एप्लीकेबल है नैनोड्रोन से ऊपर, माइक्रोड्रोन्स की बात कर रहा हूँ। तो उसमें बस आपको जस्ट एक आपको बताना है कि ग्रीन जोन आपको भी मालूम होगी, बस आपको फॉर्मेलिटी करनी है, यस आई एम फ्लाइंग ड्रोन एट दिस टाइम एट दिस जोन, वहाँ से ऑटोमेटिकली सर्वर आपको यस कर देगा। उसके बाद आती है येलो जोन। येलो जोन वो एरिया होंगे जो कि हाईली पॉपुलेटेड होंगे, लेकिन वहाँ पर कोई VVIP ऐसा कुछ अरेंजमेंट या एयरपोर्ट जैसी कोई चीज़ नहीं होगी डिफेंस के रिलेशन में, बट हाँ काफ़ी पॉपुलेटेड एरियाज हो सकते हैं, हो सकता है वहाँ पर काफ़ी पब्लिक हो सकता है वहाँ पर कुछ काफ़ी कुछ फंक्शन चल रहा हो सकता है वहाँ पर, जैसे कोई मतलब ऐसे ऐसे जो एरियाज हैं जिसमें थोड़ी रिस्ट्रिक्शन या कोई प्रॉब्लम आ सकती है, उसको येलो जोन में डिफाइन किया गया है। अभी ये जोन्स पूरी तरह क्लियर नहीं है, मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कैसे कैसे होगा, ये सारा मैप्स आ जाएंगे। और अगर आप न्यू हैं इस चैनल पे तो मैं अपडेट कर दूंगा कब आने वाले हैं और कैसे आने वाले हैं, कैसे आपने उसमें करना है। तो येलो जोन में आपको जब बताएंगे तब आपको वेट करना पड़ेगा थोड़ा, क्योंकि येलो जोन में वो देख के जो प्रेजेंट सिचुएशन होगी तब उसके हिसाब से आपको परमिशन मिलेगी। तो ग्रीन जोन में कोई वेट नहीं है, जैसे ही आपने डाला इंस्टेंटली कंप्यूटर आपको रिप्लाई कर देगा उड़ा लीजिए। येलो जोन्स के अंदर आपको थोड़ी सी वेट करनी पड़ेगी, तो उस हिसाब से कितनी वेट करनी पड़ेगी, कितना पहले आपको बताना पड़ेगा, ये सब क्लियर होगा, मैं अपडेट करता रहूँगा आपको। तो उस येलो जोन में आपको परमिशन नो भी हो सकती है, अगर उन्होंने नो कर दी तो आपका टेक ऑफ ही नहीं करेगा। तो प्लीज़ जो येलो में अगर आप जा रहे हैं किसी जोन में उड़ाने के लिए, वो मैप उसके पहले आ जाएंगे, तो येलो जोन में उड़ाने के लिए आपको एडवांस में थोड़ा बताना पड़ेगा, और कितना वो टाइम लेंगे वो अभी बताया नहीं है, कुछ कह रहे हैं 5-10 मिनट में आ जाएगा, कुछ कह रहे हैं आधा घंटा लगेगा, इट डिपेंड्स। और उसके बाद आती है तीसरी जोन जो कि है रेड जोन, दैट इज़ अ रिस्ट्रिक्टेड जोन। वहाँ पर अगर आप परमिशन लेंगे भी तो आपको परमिशन नहीं मिलेगी, वो होंगे VVIP एरियाज, एयरपोर्ट्स, जहाँ पर बिल्कुल अलाउड नहीं होगा ड्रोन उड़ाना। तो बाय चांस अगर आप किसी भी उस जगह के आसपास वहाँ पर पहुँच गए और आपने कह दिया मैं इस लोकेशन पर उड़ाना चाहता हूँ, तो आप भूल जाइए, आपका ड्रोन टेक ऑफ ही नहीं करेगा वहाँ पर, क्योंकि परमिशन ही नहीं मिलेगी। और अपडेट में जैसे इन्होंने बताया हुआ है कि आपका NPNT ड्रोन कंपेटेबल होगा, तो वो रेड जोन में तो उड़ेगा ही नहीं विदाउट परमिशन, और परमिशन आपको रेड जोन में मिलेगी नहीं, तो रेड जोन में भूल जाइए ड्रोन उड़ाना। तो ये सब जो कैटेगरीज हैं रेड येलो ग्रीन, ये डिफाइन अपनी तरफ से वो कर रहे हैं सॉरी
पूरा मैप बन रहा है इंडिया का, तो ये सब जोन्स डिफाइन हो रही हैं, तो वो सब कुछ इस डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पे अपडेट होगा। तो ये था आज का वीडियो, होप आपको पसंद आया होगा। कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आपके पास है तो प्लीज़ मुझे लिखिए और हमें फॉलो कीजिए हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे। सो दीज आर द जोन्स, यो कीप रॉकिंग।